एपिसोड नंबर 9। कबीर ने जब देखा उसके फ़ोन पर कॉल आ रहा है, उसने तुरंत फ़ोन उठाया। तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से एक आदमी घबराहट भरी आवाज़ में कहता है, सर आपने जो काम दिया था वह काम हो चुका है, लेकिन एक बड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। वैसे तो यह प्रॉब्लम मैं भी ठीक कर सकता हूँ, पर मेरे पैर अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं काम नहीं कर सकता हूँ। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं किसी और से ये काम करने को दे दूँ, क्योंकि यह काम होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो वह आदमी हमारे हाथों से निकल सकता है। अगर एक बार वह आदमी हमारे हाथों से निकल गया तो वह मुश्किल हो जाएगा उसे ढूंढना। फ़ोन की दूसरी तरफ से आदमी की बात सुनकर कबीर गुस्से में कहता है, मुसीबत हम पर नहीं आती, हम मुसीबत पर आते हैं, यह बात हमेशा याद रखना। और रही बात उस आदमी की, तो तुम उस आदमी को ख़त्म कर दो, क्योंकि उस आदमी का ज़िंदा रहना ही सही नहीं होगा। कबीर की बात सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ से आदमी हैरान होकर कहता है, लेकिन अगर मैंने उस इंसान को मार दिया तो फिर हम उसके मुंह से सच कैसे निकल पाएंगे, क्योंकि वह एक वही है जिसने ज़रिए हम यह पता लगा सकते हैं कि आखिर आपका दुश्मन कौन है, कौन ड्रग्स सप्लाई करने वाला है। अगर आपको वो ड्रग्स चाहिए तो हमें कैसे भी करके इस इंसान को पकड़ के रखना पड़ेगा। और वैसे भी आपने तो कहा था कि हम इस इंसान को तब तक नहीं मारेंगे जब तक कि वो इंसान खुद सच ना बता दे। उस आदमी की बात सुनकर कवीन ने गुस्से में कहता है, अब मैं खुद कर सकता हूँ, ना तो चुपचाप उस आदमी को जान से मार दो, और या याद रखना, जैसे हर इंसान को मारकर कुत्तों को खिलाते हो वैसे ही इसी इंसान के साथ करना। और हाँ, अब इस इंसान के बारे में कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। यह कहकर कबीर ने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट करने के बाद वह कवर्ड के पास आया, फिर उसने उसमें से एक दो इम्पॉर्टेंट हाथ बंदूक निकालकर उसे अच्छे से पैकेट में रख दी। दोनों बंदूकों को अपने पास रख लेने के बाद कबीर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलकर नीचे की ओर जा ही रहा था, तभी उसकी नज़र अनाया के कमरे पर गई, जिसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिस वजह से कबीर की नज़र तुरंत इशिता पर चली गई, जो बेड पर बड़े सुकून से सो रही थी। इशिता को इतने सुकून से सोता देख कबीर गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, जितने सुकून के साथ तुम्हें सोना है ना, सो जाओ, तुम्हारी यह सुकून बहुत जल्द मैं ख़त्म करूँगा। तुम्हारी वजह से जो मेरा काम रुका हुआ है ना, उसका अंजाम तो तुम्हें बहुत जल्द ही भुगतना पड़ेगा। यह कहने के बाद कबीर गुस्से में घर से बाहर चला गया। वहीं जाह्नवी खन्ना कबीर को अनाया के कमरे के अंदर देखते हुए यह देख लेती हैं। यह बात जाह्नवी खन्ना जानती थी कि अनाया के कमरे में इस समय इशिता अकेली सो रही है। यह देखने के बाद जाह्नवी खन्ना चुपचाप नीचे आकर अपने सास यानी कि जानकी खन्ना के पास आकर बैठ गईं। जानकी खन्ना टीवी पर न्यूज़ देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि उनकी बहू परेशान सोफे पर बैठी हुई है, वह अपनी बहू जाह्नवी खन्ना को देखते हुए कहती हैं, क्या हुआ जाह्नवी, तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या तुम इशिता को लेकर परेशान हो? जाह्नवी खन्ना की बात सुनकर जाह्नवी परेशानी भरी नज़रों में आवाज़ में कहती है, इशिता को लेकर मैं परेशान हूँ, क्योंकि उसके साथ जो आज कॉलेज में हुआ वह नहीं होना चाहिए था। वह बेचारी एक तो अपने ही परिवार से दुख को झेलती आई है, ऊपर से आज जब वह हमारे साथ रहती है तो भी हम उसकी बिल्कुल मदद नहीं कर पा रहे हैं। हम अगर उसकी मदद करना भी चाहें तो इशिता खुद मना कर देती है, क्योंकि उसका मानना है कि हम उनके कोई नहीं हैं। अगर हम उनको कोई नहीं होते तो हम आगे बढ़कर उसकी मदद भी नहीं कर सकते थे। पर अब आप ही बताएं हम क्या करें। जाह्नवी की बात सुनकर जानकी खन्ना गहरी सांस लेकर कहती हैं, सच बताऊं तो इशिता के बारे में सोचकर मुझे भी बुरा लगता है। कभी कभी मेरा मन होता है कि काश वह हमारे घर की बेटी ही होती, हम कभी भी उसको इतने दुख में नहीं जीने देते। वैसे तुमने तो कहा था तुम इशिता की चाची के पास जाओगी और उन्हें सबक सिखाओगी, उसका क्या हुआ? जानकी खन्ना की बात सुनकर जाह्नवी गहरी सांस लेकर कहती है, मैं वहाँ नहीं गई, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाती तो कबीर मुझ पर बहुत गुस्सा करता, या फिर वह कबीर इशिता पर गुस्सा करता, इसलिए मैंने अपने बॉडीगार्ड को वहाँ भेज दिया है। हालांकि फ़िलहाल के लिए मैंने उसके परिवार को चेतावनी भेज दी है, अगर उसके बावजूद भी उन दोनों लोगों ने फिर से ऐसा काम किया तो मैं एक्शन लूँगी। जाह्नवी की बात सुनकर जानकी खन्ना मुस्कुराते हुए कहती हैं, चलो ये तो अच्छी बात है, मैं तो यही
प्रे करूंगी कि उस परिवार को थोड़ी सी अकल मिल जाए, क्योंकि अगर वह लोग नहीं सुधरेंगे तो आगे चलकर इशिता के साथ कुछ ना कुछ करते रहेंगे, अब इशिता की मदद भी नहीं कर पाएंगे। जानकी खन्ना की बात सुनकर जानवी कुछ सोचते हुए कहती है, मॉम क्यों ना हम इशिता को कबीर की शादी करा दें। देखिए ना, मैं जानती हूँ कबीर ये शादी करना नहीं चाहेगा और इशिता भी शायद ये शादी नहीं करेगी। इशिता को हम जितना जानते हैं, अनाया जितना जानती है, उस हिसाब से इशिता बहुत अच्छी लड़की है। वह अपने से पहले परिवार के बारे में सोचती है। वो कबीर से डरती है क्योंकि उसने कबीर को जाना नहीं है। उसे लगता है कबीर एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन हम सब जब उसे समझाएंगे तो वह हमारी बात भी समझेगी। मैं कबीर और इशिता की शादी करवाना चाहती हूँ। जब इशिता की शादी हो जाएगी और वो हमारे घर की बहू बन जाएगी तो कोई भी हमारी बहू को कुछ नहीं बोल पाएगा। जानवी की बात सुनकर जानकी खन्ना हैरान होकर कहती हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या कह रही हो? कबीर और इशिता की शादी के सपने से तुम बाहर निकलो, क्योंकि यह इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और तुम अपने बेटे की शादी करवाने के लिए इशिता को मुसीबत में नहीं डाल सकती हो। कबीर को तुम बहुत अच्छे से जानती हो, वह इशिता क्या किसी भी लड़की से शादी नहीं करेगा, और उसकी शादी किसी लड़की से हो जाएगी तो उस लड़की का जीना हराम कर देगा। क्या तुम सच में चाहती हो कि जानवी कबीर से शादी कर ले? देखो, मैं जानती हूँ कबीर बहुत अच्छा है, लेकिन वह हमें दिखाने के लिए अच्छा बनेगा, पर कमरे में इशिता के साथ जो गलत व्यवहार करेगा उसका क्या, हम क्या करेंगे? इशिता बहुत मासूम लड़की है, वह तो यह सब सहती जाएगी, हमें कुछ नहीं बताएगी। लेकिन हम सब कुछ जानने के बाद इशिता को मुसीबत में नहीं डाल सकते। जानकी खन्ना की बात सुनकर जानवी उन्हें देखते हुए कहती हैं, मैं जानती हूँ मॉम आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, क्योंकि कबीर कुछ नहीं करेगा, मैं खुद उससे बात करूँगी। जब बस आप मेरा साथ दीजिए, अगर हम सब मिलकर इशिता को उससे बात करेंगे तो उसे मनाएंगे, हम खुशी खुशी रह सकते हैं। अभी बस सोच कर देखिए, इशिता जैसी इतनी संस्कारी लड़की हमारे घर की बहू बनेगी, आपको तो पता ही है। मैंने सोचा था हमारे घर की बहू बड़ी बहुत अमीर घराने से आएगी, जो करोड़ों की मालकिन हो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इशिता पसंद आ गई, जबकि इशिता बहुत गरीब घर से है। लेकिन मुझे उसकी गरीबी से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे बस इशिता से मतलब है। आपको पता है आज कॉलेज में जब इशिता पर हमला हुआ तब कबीर अपनी बहन के लिए कॉलेज गया था, और वहाँ पर इशिता की हालत बहुत ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि वह चल भी नहीं पा रही थी। तभी अनाया ने कबीर से कहा कि इशिता को अपनी गोद में उठा ले, लेकिन जब अनाया को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है तो वह अब वापस अपने बातों को दबाते हुए कहती है कि आप वो किसी बॉडीगार्ड को भेज दीजिए। आपको पता है यह सुनने के बाद कबीर ने क्या किया? अनाया को लगा था कबीर उसकी बॉडीगार्ड को मानकर किसी बॉडीगार्ड को भेज देगा, लेकिन कबीर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने खुद इशिता को अपनी बाहों में उठाया और फिर उसे घर लेकर आया। सोचने वाली बात है ना, वो तो बॉडीगार्ड को भी भेज सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और आज अभी थोड़ी देर पहले जब कबीर घर से निकलकर बाहर जा रहा था, तब वह अनाया के कमरे में झांक रहा था, और उस समय अनाया अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि वहां इशिता बड़े सुकून से सो रही थी। मैं नोटिस कर रही हूं इशिता के आने पर कबीर ज़्यादातर घर पर दिख रहा है, उसको आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं, वहीं वो 2 दिन में ज़्यादातर मुझे घर पर ही दिखाई दिया है, वरना वह 24 घंटे में 2 घंटे घर पर दिखता है और 22 घंटे बाहर। जानवी की बात सुनकर जानकी खन्ना को अब समझ आ गया था कि वो क्या कहना चाहती है और क्यों इशिता और कबीर की शादी करवाना चाहती है। यह सोचकर वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, अगर तुम्हें यह सब देखकर लग रहा है उन दोनों की जोड़ी अच्छी होगी तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन यह सब करने से पहले तुम एक बार अपने दिल की सुन लेना, कहीं बाद में तुम्हें खुद पछताना ना पड़े कि तुमने इशिता और कबीर की शादी करवा कर गलती कर दी है, क्योंकि इशिता बहुत सीधी सादी लड़की है, अगर कोई उसे मारना भी चाहेगा ना तो उसे रोकेगी नहीं, बल्कि खुद अपने हाथ से मर जाएगी। और कबीर जब उसका पति बन जाएगा तो वह कबीर के हाथों से मार खाती रह जाएगी। जानकी खन्ना की बात सुनकर जानवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, नहीं मॉम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम इशिता को अच्छे से समझाएंगे, उसे सिखाएंगे, उसके चाचा चाची ने उसे
कुछ भी नहीं सिखाया है, मैं उसकी माँ बनकर उसे सब कुछ सिखाऊंगी। उसे यह भी बताऊंगी कि जब कोई इंसान तुम्हें मारने की कोशिश करे तो तुम्हें भी उस पर उल्टा वार करना है, चाहे वह तुम्हारा पति ही क्यों ना हो। माँ, आप शायद भूल रही हैं, हम मॉडर्न ज़माने में रहते हैं। यहाँ अगर पति एक थप्पड़ मारता है तो पत्नी भी अपने पति को एक थप्पड़ मारती है। पहले के टाइम पर पत्नी अपने पति की मार खाती थी, लेकिन आज के टाइम पर अगर पति मारता है तो पत्नी भी चुप नहीं रहती है। और अब यही सब सोचकर मैं सीता को अब सब कुछ सिखा दूंगी। भले ही उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन मैं उसे एक माँ की तरह सब कुछ सिखाऊंगी। जानवी की बात सुनकर जानकी खन्ना गहरी सांस लेकर कहती हैं, ठीक है, अगर तुम्हें यही फैसला करना है तो मैं भी तुम्हारे इस फैसले में साथ दूंगी, लेकिन एक बात पहले तुम कबीर से बात कर लेना, क्योंकि जितना मैं कबीर को जानती हूँ वो इस शादी के लिए नहीं मानेगा। जानकी खन्ना की बात सुनकर जानवी खन्ना मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप उसकी फिक्र मत कीजिए मॉम, कबीर को कैसे समझाना है यह तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब मुझे क्या करना है मुझे यह भी पता है, बस आप किसी को भी इस बारे में मत बताइएगा तब तक जब तक दोनों तरफ से शादी के लिए हाँ नहीं हो जाती। जानवी खन्ना की बात सुनकर जानकी खन्ना समझ चुकी थी कि इस बार समय उनकी बहू को दिमाग में ज़रूर कोई प्लानिंग चल रही है, लेकिन उन्होंने जानवी के प्लान के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें यह भी पता था कि जानवी जो भी काम करती है बहुत ही समझदारी के साथ करती है, वह अपने काम को लेकर बहुत ही पॉजिटिव रहती है, उसके काम में कोई भी कभी भी कोई गलती नहीं निकाल सकता। यह सोचकर वह जानवी को देख कर मुस्कुराई, वहीं जानवी भी अपनी सास की मुस्कुराहट में मुस्कुराने लगी। एपिसोड नंबर 10। कुछ समय बाद खन्ना कंपनी। कबीर अपनी कंपनी के बड़े से हॉल में बैठकर मीटिंग को देख रहा था, या यूं कहें कि आज बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी जिसमें वह सभी को कुछ समझा रहा था। मीटिंग लगभग 4 घंटे चली जिसमें सभी लोग काफ़ी थक चुके थे। यह देखकर कबीर अपनी जगह से उठा, फिर चुपचाप मीटिंग रूम से बाहर निकलने लगा। कबीर का मैनेजर जो जोश के साथ ही मीटिंग रूम में बैठा हुआ था, वह भी कबीर के साथ मीटिंग रूम से चला गया। तभी कबीर के रूम में बैठा एक आदमी चिढ़ते हुए कहता है, एक तो 4 घंटे मीटिंग करवाई है, ऊपर से एक बार भी हमसे पानी के बारे में भी नहीं पूछा। अगर हम बीच में उनको कुछ कह देते हैं तो फालतू का हमें मीटिंग रूम से बाहर भी निकाल देते। उस आदमी की बात सुनकर दूसरा आदमी उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस समय कहाँ पर हो, और अगर कबीर सर को पता चल गया कि तुम उनके पीठ पीछे कुछ उनकी बुराई कर रहे हो तो मीटिंग का तो पता नहीं, लेकिन वो तुम्हें अपनी कंपनी से तुम्हें ज़रूर बाहर निकाल देंगे। फिलहाल के लिए हमारी मीटिंग ख़त्म हो गई है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यह कहकर वह आदमी भी अपने सारे क्लाइंट के साथ वहाँ से चला गया। इधर कबीर मीटिंग ख़त्म करने के बाद अपने कैबिन में आ गया था। वो जैसे ही कैबिन में आया तभी मैनेजर कबीर को देखते हुए कहता है, सर आपकी मॉम का मैसेज आया था, उन्होंने कहा है अगर आपका काम जल्दी ख़त्म हो जाए तो आप थोड़ी जल्दी घर आ जाइएगा। मैनेजर की बात सुनकर कबीर ने घड़ी में समय देखा, इस समय दोपहर के 3 बज रहे थे। यह देखकर वह अपने कैबिन टेबल से बाहर निकला और फ़ोन उठाकर कैबिन से चुपचाप बाहर निकल गया। वहीं जब मैनेजर ने देखा कबीर कैबिन से बाहर निकल गया है तो वो मुंह बनाकर खुद से कहता है, अजीब हरकत है, एक बार बता देते तो क्या जाता, एक तो मैं इनको इतना कुछ बोलता हूँ और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है, ऐसा लगता है इन्हें कुछ बोलना ही नहीं आता है। यह कहकर मैनेजर मुंह बनाते हुए कैबिन से बाहर चला गया। कुछ समय बाद कबीर सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। हालांकि उसे पता था उसकी माँ ने किसी काम के लिए उसे घर बुलाया था, लेकिन अपनी माँ को कभी अभी तक सामने ना आता देख कबीर को कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही थी। वह समझ गया था कि उसकी मॉम ने कोई ऐसा काम ज़रूर किया है जिसे बताने में उन्हें काफ़ी डर लग रहा है। यह सोचकर वह अपने सामने बैठी जानकी खन्ना को देखने लगा। हालांकि जानकी खन्ना भी पहले कबीर से बात करना चाहती थी, क्योंकि जानवी ने बता दिया था कि वह पहली बात नहीं करेंगी, इसलिए अब इससे पहले जानकी खन्ना को बात करनी थी, लेकिन कबीर को गुस्से में देखकर उनने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ कहा। जब कबीर ने देखा जानकी खन्ना कुछ कहना चाहती हैं तो कॉफ़ी के मग को टेबल पर रखकर पेपर पढ़ते हुए कहता है, अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझे बता सकती हैं दीदा,
कबीर की आवाज़ सुनते ही जानकी खन्ना घबरा गईं। कबीर बचपन से ही अपनी दादी को दीदा कहकर बुलाता था, क्योंकि जब कबीर पैदा हुआ था और उसने जब पहली बार दीदा कहा था, तब से ही जानकी खन्ना ने कबीर से कह दिया था कि वे हमेशा उसे दीदा कहकर ही बुलाए, और कबीर अकेले ही अपनी दीदा को दादी कहता था। कबीर की आवाज़ सुनने के बाद जानकी खन्ना घबराते हुए कहती हैं, वे कबीर, मुझे आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है। मैं जानती हूँ अगर मैंने आपसे कुछ कहा तो आप मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन प्लीज़ मेरी बात को सुनने के बाद आप मुझ पर गुस्सा मत करिएगा। जानकी खन्ना की बात सुनकर कबीर अपनी आंखें छोटी करके कहता है, दीदा, क्या मैंने आप पर कभी गुस्सा किया है? कबीर की बात सुनकर ही जानकी खन्ना मुंह बनाकर धीरे से कहती हैं, हाँ, गुस्सा नहीं किया है, लेकिन गुस्से में देखते तो हो, तुम्हारा डरावना चेहरा देखकर ही मेरी बोलती बंद हो जाती है। ऊपर से यह जानवी ने मुझे कहाँ फंसा दिया, खुद तो बोल नहीं पा रही है, ऊपर से मुझे कह दिया है बोलने के लिए। जानकी खन्ना को बड़बड़ाते देख कबीर उन्हें देखकर कहता है, अगर आपको कुछ कहना है तो आप जल्दी से कह दीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। कबीर की डरावनी आवाज़ सुनते ही जानकी खन्ना घबराती हुई कहती हैं, हम कबीर, हम चाहते हैं आप शादी कर लें। जैसे ही जानकी खन्ना ने यह कहा, कबीर अपने हाथों में मौजूद पेपर को टेबल पर रख कर वहाँ से जाने लगा। जब जानकी खन्ना ने देखा कबीर बिना कुछ बोले जा रहा है, तो वह खुश होकर कहती हैं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब यह है कि आप शादी करना चाहते हैं। जानकी खन्ना की बात सुनकर कबीर के कदम वहीं रुक गए। वह पीछे मुड़कर उन्हें देखकर कहता है, मेरे कुछ नहीं कहने का मतलब होता है नहीं, यानी कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, और यह बात मैंने आपको और मॉम को कई बार बता दी है, तो अगली बार से आप मेरी शादी की बात ना करें तो बेहतर होगा। यह कहने के बाद कबीर गुस्से में वहाँ से चला गया। कबीर को गुस्से में जाते देख जानकी खन्ना गहरी सांस लेते कहती हैं, हालांकि वह कबीर को मनाना चाहती थी, लेकिन कबीर का डरावना चेहरा देखकर ही उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, वह जाते हुए कबीर को देखती रह गई। जानवी खन्ना जो किचन में चुपचाप वहाँ का नज़ारा देख रही थी, जब उन्होंने देखा कबीर चला गया है, तो वह तुरंत अपनी सास के पास आ पहुँच गई। जानवी खन्ना भी अपने बेटे को जाते देख रही थी। अपने बेटे को देखने के बाद वह जानवी जानकी खन्ना से कहती हैं, मैंने आपको एक काम दिया था मॉम, आपसे वह भी नहीं हुआ। जानवी की बात सुनते ही जानकी खन्ना गुस्से में कहती हैं, इतना ही था तो तुम खुद कर लेती अपना काम, एक तो इतना बड़ा काम मुझे अकेले सौंप दिया, तुम्हें पता है ना कभी शादी के बारे में कुछ भी बोलना या सुनना नहीं चाहता, ऊपर से मेरी बात सुनने के बाद उसे और भी गुस्सा आ गया है। जानकी खन्ना की बात सुनकर जानवी गहरी सांस लेकर कहती है, लगता है अब मुझे वही करना पड़ेगा जो मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसके लिए अब आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मुझे मना नहीं करेगा, इस बार वो मुझे मना नहीं कर सकता। जानवी की बात सुनकर जानकी गहरी सांस लेकर कहती हैं, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन थोड़ा संभल कर, क्योंकि कबीर को हमारे ऊपर शक हो कह सकता है, वह बहुत शातिर इंसान है, हमारी आंखों को देखकर ही वह बता सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। जानकी खन्ना की बात सुनकर जानवी खन्ना मुस्कुराने लगी। इधर दूसरी तरफ इशिता अकेली गार्डन में बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। कॉलेज में हुए तमाशे के बारे में सोचकर इशिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, खासकर कि जब यह पता चला कि कबीर उसकी बहन को मारना चाहता है। ना जाने क्यों यह सोचकर इशिता की आंखों में आंसू आ गए। वहीं कबीर जो अपने कमरे में आकर खिड़की को खोलकर बाहर की ठंडी हवा को महसूस कर रहा था, उसी समय उसकी नज़र इशिता पर चली गई, जो गार्डन में घुटनों के बल कुर्सी पर बैठी हुई थी। उस इशिता के चेहरे से ही पता चल रहा था कि इस समय कितनी उदास है। इशिता के उदास चेहरे को देखने के बाद कबीर काफ़ी समय तक उसे देखे जा रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इशिता को काफ़ी समय से देख रहा है, और क्यों देख रहा है इस बारे में उसे भी बिल्कुल पता नहीं था। यही तो होता है प्यार। वह इशिता को देख ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो उस फ़ोन की नोटिफिकेशन को देखकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। इधर इशिता जो गार्डन में बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी, तभी उसकी नज़र कबीर पर गई, जो घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा है। कबीर को देखते ही इशिता के चेहरे पर घबराहट नज़र आने लगी, लेकिन जब उसने देखा कबीर चला गया है, तो उसने चैन की सांस ली।
और उसे शांति मिली। इशिता ने चैन की सांस ली ही थी कि तभी अनाया उसे डराते हुए उसके सामने आ गई। अनाया के डराने की वजह से पहले इशिता सच में डर गई थी, लेकिन जब उसने अनाया के चेहरे पर हंसी देखी तो उसे भी हंसी आ गई लगी हंसी आने लगी। वह दोनों ही एक दूसरे को देख कर हंस रही थी। इशिता को हंसते देख अनाया उसके बगल में बैठते हुए कहती है, क्या हुआ इशिता, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्या तुम्हारे अंदर मन नहीं लग रहा है? अगर तुम चाहो तो हम शॉपिंग पर चल सकते हैं। अनाया की बात सुनकर इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं अंदर अकेला फील कर रही थी। तुम भी तो अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा गार्डन में आकर थोड़ी देर बैठकर जाती हूँ। इशिता की बात सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अपने दोस्त से बात नहीं कर रही थी, बल्कि मैं अपने कज़न सिस्टर से बात कर रही थी। उन्होंने कहा था कि वह आने वाली है, लेकिन अचानक से काम आ जाने की वजह से यहाँ आ नहीं पा रही है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने कहा है वह अपने समय को निकालकर तुमसे मिलने आएगी, क्योंकि उन्हें भी तुमसे मिलना है। वैसे मैं जानती हूँ, अब जब उन्होंने कहा तो वह मुझे मिलने के लिए ज़रूर आएंगी, तो क्यों ना हम उनके लिए कुछ शॉपिंग कर लें। मुझे पता है उनको क्या क्या पसंद है, क्या तुम मेरे शॉपिंग में मदद करोगी? अनाया की बात सुनकर इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन क्या अभी जाना होगा? मेरा मतलब है अभी तो बहुत गर्मी है ना। इशिता की बात सुनकर अनाया हंसती हुए कहती है, अरे बुद्धू, बाहर गर्मी है तो क्या हुआ, हम गाड़ी से जाएंगे, और वैसे भी हम कोई लोकल मार्केट थोड़ी ना जा रहे हैं, हम बड़े से मॉल में जाएंगे, क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर को जो ड्रेस पसंद आती है वे बड़े से मॉल में ही मिलेगी, तो तुम्हें वहाँ गर्मी भी नहीं लगेगी। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होकर अभी आती हूँ। अनाया की बात सुनकर इशिता ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर वहाँ से चुपचाप बाहर चली गई, सीधे घर के अंदर चली गई। अनाया भी वहाँ यह देखकर जल्दी से इशिता के पीछे चली गई। थोड़ी ही देर में इशिता और अनाया दोनों ही तैयार होकर घर से बाहर निकल रही थी, तभी जानकी खन्ना इशिता को रोकते हुए कहती है, बेटा आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, आप बाहर क्यों जा रही हैं? जानकी खन्ना की आवाज़ सुनकर इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, वह दीदा मेरा मतलब दादी अनाया को शॉपिंग करनी है, इसलिए मैं उनके साथ जा रही हूँ। इशिता की बात सुनकर जानकी खन्ना की नज़र अनाया पर चली गई। वहीं अनाया जो बिल्कुल भूल चुकी थी कि इशिता को चोट लगी है, वो हैरान होकर कहती है, ओ माई गॉड, आई एम सॉरी इशिता, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि तुम्हें चोट लगी है, मैं इस हालत में तुम्हें बाहर ले जा रही हूँ, आई एम सॉरी। अनाया की बात सुनकर इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत हल्की सी चोट है, मैं चल सकती हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वैसे भी तुमने तो कहा था ना कि हम गाड़ी से जा रहे हैं, तो इसमें कहाँ से दिक्कत हो गई, गाड़ी से आएंगे और गाड़ी से जाएंगे। इशिता की बातें को सुनकर जानवी खन्ना समझ गई थी कि इशिता से बाहर घूमना चाहती है। यह सोचकर वह अनाया से कहती है, अनाया अगर इशिता को सच में बहुत मन है तो तुम इसे लेकर जा सकती हो, लेकिन ये याद रखना इसे कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी तबीयत अभी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर ने कहा है इसे अभी लगातार खाना खाना चाहिए, अगर तुम बाहर जा रही हो तो इसे हेल्दी खाना भी खिला देना। अपनी दादी की बात सुनकर अनाया खुश होकर कहती है, आप फिक्र मत करो, मैं जब भी इशिता को बाहर लेकर जाती हूँ तो उसके लिए मैं सब कुछ खिला देती हूँ, यह बेचारी का तो बहुत जल्दी पेट भी भर जाता है, डॉक्टर ने अगर कहा है हेल्दी खाना है तो इसे मैं सब कुछ हेल्दी ही खिलाऊंगी। यह कहकर अनाया इशिता का हाथ पकड़कर जल्दी से वहाँ से निकल गई। एपिसोड नंबर 11। अनाया इशिता को लेकर शॉपिंग करने आ चुकी थी। हालांकि इशिता को कुछ भी लेने का मन नहीं था, लेकिन अनाया की ज़िद करने पर वह अपने लिए देख रही थी, पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां जितना भी सामान मिल रहा था वह बहुत ज़्यादा महंगा था। इशिता की पॉकेट मनी इतनी नहीं बची थी कि वह यह सारा सामान ले सके। अनाया ने जब देखा इशिता अपने लिए कुछ नहीं ले रही है तो वह गुस्से में कहती है, क्या भाई इशिता, तुम अपने लिए कुछ भी नहीं ले रही हो, क्यों नहीं ले रही हो? अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, खरीद देती हूँ। अनाया की बात सुनकर मुस्कुराते हुए इशिता कहती है, नहीं अनाया, मुझे यहाँ की सारी चीज़ें बकवास नज़र आ रही हैं, मतलब तुम खुद देखो, इनका छोटा सा इयररिंग जो दिखने में मार्केट में 10 से 20 रुपए में मिल जाएगा, वो 500 और 1000 में मिल रहा है, हमें उल्लू बनाया जा रहा है। इशिता की बात सुनकर अनाया हंसते हुए कहती है, अरे बेवकूफ़, यह सब ब्रांडेड होते हैं, लोकल मार्केट से लिया हुआ सामान बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है या फिर टूट जाता है, लेकिन यहाँ का लिया हुआ सामान बहुत दिनों तक टिकता है, मानो तो ये सालों तक चलने वाला है।
अनाया की बात सुनकर इशिता मुंह बनाकर कहती है, अगर तुम लोकल का लिया हुआ सामान खरीदोगी तो तुम्हें उसे एक बार पहनकर देख सकती हो, क्योंकि तुम तो पहली पहनी हुई चीज़ दोबारा पहनती नहीं हो, तो फिर क्या इतनी महंगी तो चीज़ लेकर दोबारा लेकर तुम क्या करोगी। एक बार तो पहनना है, फिर उसे कुछ तुम एक बड़े से बॉक्स में बंद कर दोगी। इशिता की बात सुनकर अनाया हंसते हुए कहती है, अरे मेरी माँ, ये मेरी पसंद मनपसंद शॉपिंग होती है ना, मुझे जितना ब्रांडेड सामान मिलता है ना, मुझे उतनी ही खुशी होती है। और तुम फिक्र मत करो, मैं अपने पैसे थोड़ी ना उड़ा रही हूँ, वह तो भाई ने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया था, तो बस मैं उन्हीं के पैसों के को खर्च कर रही हूँ। तुम्हें पता है रक्षाबंधन आ रहा है, तो भाई ने कहा है कि तुम जो भी शॉपिंग करना चाहती हो वो आराम से कर लेना, इसीलिए मैं शॉपिंग करने आई थी। चलो अब तुम ये सारी बातें छोड़ो, बताओ तुम्हें क्या पसंद है, अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें खरीद दूंगी। अनाया की बात सुनकर इश्ता गहरी सांस लेकर कहती है, नहीं मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूँगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी शॉपिंग करो ना, वैसे भी तुम्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद है, मुझे नहीं। इश्ता की बात सुनकर अनाया मुँह बनाकर कहती है, हे भगवान, मुझे तुम्हारा कुछ समझ नहीं आता, कभी कभी ये सोचती हूँ कि तुम्हारी शादी जिस इंसान से होगी वह इंसान कितना अनलकी होगा, मतलब उनकी बीबी को ना शॉपिंग करना पसंद है, ना फालतू के खर्चे करना पसंद है, बस वह घर में बैठकर घर का काम कर दो, करने को कह दो बस। अनाया की बात सुनकर इशिता उसके कानों को खींचते हुए कहती है, हो गई तुम्हारी बकवास बातें, अब जल्दी से करो, वैसे भी शाम होने वाली है, हमें जल्दी ही घर पहुंचना है, चलो मैं तुम्हारी शॉपिंग करने में मदद करती हूँ। यह कहते हुए अनाया और इशिता दोनों ही ज्वेलरी शॉप के अंदर गईं। ज्वेलरी शॉप काफ़ी बड़ा था, या यूं कहें कि वहाँ बहुत महंगी से महंगी ज्वेलरी मिलती थी। अनाया अपने लिए कुछ अच्छे से अच्छे इयररिंग्स देख रही थी, वहीं इशिता अपने हाथों में लेते हुए पायल को चेक कर रही थी। बचपन से ही इशिता को पायल पहनने का बहुत शौक था, लेकिन माँ बाप के मरने के बाद उसको किसी ने पायल खरीदने के लिए नहीं दी थी। जब भी वह किसी फंक्शन में पायल पहनती थी तो उसकी कज़िन सिस्टर की पायल पहनती थी, वह भी टूटी हुई होती थी। अनाया अपनी शॉपिंग करने में मग्न थी, वहीं इशिता मुस्कुराते हुए पायल को देखे जा रही थी। जब अनाया की शॉपिंग खत्म हो गई तब जाकर उसकी नज़र इशिता पर गई, जो पायल देखकर मुस्कुरा रही थी। इशिता को यूँ मुस्कुराते देख अनाया समझ गई थी इशिता को पायल खरीदना है। यह सोचकर अनाया मुस्कुराते हुए इशिता के पास आकर कहती है, अगर तुम्हें यह पसंद है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं इसका बिल पे कर दूंगी। अनाया की बात सुनकर इशिता तुरंत पायल को वापस रखते हुए कहती है, नहीं मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है, वह तो मैं बस इसे ऐसे ही देख रही थी, चलो तुम्हारी शॉपिंग खत्म हो गई है, हम घर चलते हैं। यह कहकर इशिता अनाया का हाथ पकड़ के उस ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलने लगी। वही अनाया ने इशिता को बातों को सुनने के बाद पीछे मुड़कर उसे पायल को देखा, जिसकी पायल इशिता ने पसंद की थी। उस पायल को देखने के बाद तुरंत इशिता के साथ वहां से चली गई। कुछ समय बाद कबीर मीटिंग खत्म करने के बाद घर की ओर जा ही रहा था, तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने देखा उसके फ़ोन पर अनाया का मैसेज आया हुआ था। अनाया के मैसेज को देखकर कबीर की नज़र एक तस्वीर पर गई, उस तस्वीर में एक पायल की फ़ोटो थी। उस पायल को देखने के बाद अनाया आए हुए मैसेज को पढ़ा। अनाया ने लिखा था, भाई यह पायल है जो मुझे बहुत पसंद है, क्या आप मेरे लिए इसे लेकर आ सकते हैं, मैं शॉपिंग करने गई थी लेकिन जब मैंने इस पायल को देखा था तब इस पायल को किसी ने ले लिया था, पर जब मैंने मैनेजर से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह सेम टू सेम पायल अवेलेबल नहीं है, मुझे यही पायल चाहिए, क्या आप प्लीज़ इसे लेकर आ सकते हैं। अनाया के मैसेज को पढ़ करने के बाद कबीर ने फ़ोन को पॉकेट में रखा, फिर वो अपने सामने वाले ड्राइवर को कहता है, गाड़ी मॉल के पास रोक लेना। कबीर की बात सुनकर ड्राइवर हैरान होकर उसे देखने लगता है, पर कुछ कहता नहीं, गाड़ी लेकर मॉल चला जाता है। थोड़ी ही देर में गाड़ी के ड्राइवर ने एक बड़े से मॉल के सामने गाड़ी रोकी। यह वही मॉल था जहां पर अनाया इशिता को लेकर आई हुई थी। मॉल के अंदर जाते ही सारे लोगों की नज़र कबीर पर चली गई। मॉल में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स और मैनेजर थे वह सभी को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि आमतौर पर कबीर की फैमिली जब भी शॉपिंग करने जाती थी तब वह लोग करोड़ों की शॉपिंग करते थे, और ऐसे में वहाँ पर काम करने वाले सभी लोग कबीर और उसकी फैमिली को अच्छे से पहचानते भी थे। जब कबीर अनाया के बताए हुए ज्वेलरी शॉप पर गया तो ज्वेलरी शॉप के मालिक कबीर को देख दंग रह गए।
उस ज्वेलरी शॉप का मालिक भागते हुए कबीर के पास आया, लेकिन तभी कबीर के बॉडीगार्ड जल्दी से उसके आगे आकर उस आदमी को रोका। तभी वह ज्वेलरी शॉप का मालिक कबीर को देखते हुए कहता है, सर आप यहाँ, अगर आपको कुछ चाहिए था तो हमें बता देते, हम सीधा घर तक ले चले आते। ज्वेलरी शॉप के मालिक की बात सुनकर कबीर ने अपने फ़ोन निकाला और फिर वो अनाया की भेजी हुई तस्वीर उस ज्वेलरी शॉप के मालिक को दिखाते हुए कहता, इस पायल को पैक करो। कबीर की बातों को सुनकर उसके फ़ोन में पायल की तस्वीर देखकर ज्वेलरी शॉप का मालिक हैरान हो गया, क्योंकि उसने देखा था कि कबीर खन्ना की बहन अनाया खन्ना शॉपिंग कर पर आई थी, तब उसके साथ आए हुए दूसरी लड़की इसी पायल को देखे जा रही थी, जिस वजह से उसे उस पायल को ढूंढने में समय नहीं लगा, बल्कि वह तुरंत उस पायल को लेकर एक छोटे से बॉक्स में पैक करने लगा। पायल को पैक करने के बाद वो ज्वेलरी शॉप का मालिक कबीर को पायल देते हुए कहता है, लेकिन सर आप ये पायल क्यों ले रहे हैं? मेरा मतलब, जब आपकी छोटी बहन यहाँ आई थी तब उनके साथ आई हुई एक लड़की, उनकी नज़र इस पायल पर थी, पर उन्होंने पायल ली नहीं थी, बल्कि पायल को देखकर वे मुस्कुराए जा रही थी। ज्वेलरी शॉप के मालिक की बात सुनकर कबीर को समझ आ गया कि किस लड़की की बात कर रहा है। यह सोचकर वह बिना उस ज्वेलरी शॉप मालिक की बात सुने चुपचाप उसके हाथों से पायल का छोटा सा बॉक्स लेकर अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से निकल गया। वहीं इधर खन्ना मेंशन, इशिता बोर हो रही थी इसलिए वह घर के नौकर के साथ किचन में खाना बना रही थी। हालांकि घर वालों ने मना किया था, पर फिर भी अपनी ज़िद पर अड़े रहते हुए किचन से बाहर नहीं निकली। इस वजह से लोगों ने वापस से उसे मना नहीं किया, क्योंकि वह लोग जानते थे इशिता अगर ज़िद पर आ जाए तो वह किसी की नहीं सुनती, और बात उन लोगों को अनाया ने ही बताई थी। अनाया सोफे पर बैठकर कबीर का इंतज़ार कर ही रही थी, क्योंकि जब से उसने कबीर से पायल लेकर आने को कहा था तब से कबीर ने ना कोई मैसेज किया और ना ही मैसेज का रिप्लाई। कहीं ना कहीं उसे डर था कि उसका भेजा हुआ मैसेज सीन करके उसने भाई ने इग्नोर तो नहीं कर दिया है। वह सब सोचते हुए बार बार कबीर के सीन किए हुए मैसेज को देख रही थी। वहीं जानकी खन्ना जो अनाया के बगल में ही बैठी हुई थी, जब उन्होंने देखा कैसे अनाया परेशान भरी नज़रों से फ़ोन को कई बार देखे जा रही है, तो आंखें छोटी करके कहती हैं, क्या हुआ अनाया, आप इतनी परेशान क्यों हैं? जानकी खन्ना की बात सुनकर इससे पहले कि अनाया उन्हें कुछ कहती कि तभी उसकी नज़र दरवाजे से अंदर आ रहे कबीर पर गई। कबीर अपने कोट को उतारते हुए घर के अंदर आ रहा था। यह देखते हुए अनाया खुश हो गई। वह खुश होकर तुरंत कबीर के पास भाग कर आई। वहीं कबीर जो सीधा अपने कमरे की ओर जा रहा था, जब उसने से देखा सामने अनाया आकर खड़ी हो गई है, तो वह समझ गया कि वह उसकी बहन क्या कहना चाहती है, जिस वजह से वह तुरंत अपने पॉकेट से उस पायल के छोटे से बॉक्स को निकाल कर अनाया को देते हुए चुपचाप वहां से चला गया। अनाया कबीर के लाए हुए पायल देखकर बहुत खुश हो गई। उसने एक बॉक्स छोटे से बॉक्स पर नज़र डाली। हालांकि बॉक्स पैक हो चुका था, जिस वजह से पैकिंग को ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उस छोटे से बॉक्स को अपने स्कर्ट के पॉकेट में रखा और चुपचाप अपनी दादी के पास आकर बैठ गई। वहीं जानकी खन्ना कबीर को तोहफा देते हुए देख चुप हो गई, जिस वजह से अनाया को देखते हुए कहती हैं, कबीर ने आपको क्या दिया? आपकी नज़रों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने भाई के आने का इंतज़ार ही कर रही थी। ज़रा हमें भी बताएं कि आखिर इस छोटे से बॉक्स में ऐसा क्या है जिसे देखकर आपके चेहरे से मुस्कुराहट गायब ही नहीं हो रही है। जानकी खन्ना की बात सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए कहती हैं, दादी जब मैं शॉपिंग करके इशिता के साथ घर आ रही थी, तब मैंने आपने पूछा था ना कि इशिता के लिए क्यों कुछ नहीं लाई, तब मैंने कहा था कि उसे लेने का मन नहीं था। आपको पता है ना, जब मैं शॉपिंग कर रही थी तभी एक छोटी सी पायल बहुत पसंद आई थी इशिता को। मैंने उसे कहा भी था कि अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो तुम ले लो, मैं पैसे दे दूंगी। उसने मना कर दिया और मैं जानती हूँ वह अपने पॉकेट मनी से पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। उसने बचपन से ही पैसों को इकट्ठा करके रखा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे आगे चलकर वह पैसे उससे बहुत काम आएंगे, इसलिए अपने पैसों को खर्च करने के बारे में नहीं सोचा। आपको पता है वो इसी चक्कर में ना कुछ भी खाती है और ना ही कुछ लेती है। जैसे अगर वो अपनी पॉकेट मनी से पैसे निकाल लेगी तो धीरे धीरे पैसे कम हो जाएंगे, इसी वजह से लड़की ने अपनी पसंद की पायल नहीं ली। इशिका ने मेरी बातों को सुनने के बाद उसने पायल नहीं ली, तो मैंने भाई से कहा कि मुझे वह पायल पसंद है, आप लेते हुए आना, इसलिए भाई ने उस पायल को खरीद लिया। अब मैं यही पायल इशिता को देने वाली हूँ।